अब रुक करते हैं ज्वाली की ओर, जहां ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने आज ग्राम पंचायत गुगलाड़ा में 75 मछुआरों को जाल वितरित किए। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ज्वाली का अथाह विकास हो रहा है तथा मैंने भी जिस डिमांड को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है उसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि सड़कों के रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। ज्वाली में डिग्री कॉलेज खोला गया है, कोटला में बीआरसी कार्यालय खोला गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास करवाया है और विकास को ही तहरीज दी जाती है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने मछुआरों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं को जल्द समाधान होगा। इस मौके पर पोंग डैम मंडल सहायक निदेशक योगेश गुप्ता, मत्स्य अधिकारी खटियार डॉक्टर राकेश कुमार, मत्स्य अधिकारी नगरोटा सूर्या मनजीत सिंह, मत्स्य अधिकारी ज्वाली विजय कुमार आदि मौजूद रहे। आज का ये जो कार्यक्रम था मत्स्य विभाग का, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ इस विभाग के माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने विभाग का जो इस डिपार्टमेंट से संबंधित है उन सबका धन्यवाद है। मेरी ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 78 लोग बेनिफिशरी हैं जिनको आज जाल बांटे गए और इनकी लगभग राशि जो बनती है 2.25 लाख रुपया बनती है, वह उसकी उस राशि के जाल आज वितरित किए गए। इसके लिए मैं अपने सारे अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हुए अपनी सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक रही मकानों की बात, वो भी बहुत जल्दी इनको पैसे इनके खाते में सरकार डालने वाली है। जहाँ तक रहा आपने एक लाइफ जैकेट की बात की है, तो उसमें भी हमारी सरकार ने जो फैसला कर दिया, जो साधारण जाति के लोग किश्ती खरीदेंगे, लाइफ जैकेट खरीदेंगे, रक्षा जैकेट खरीदेंगे और भी सामान खरीदेंगे, अगर 1 लाख रुपये का खरीदते हैं तो 40,000 रुपया उसमें से 1 लाख में से 40,000 रुपया हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अगर अनुसूचित जाति वाले लोग भी इस तरह से खरीद करेंगे तो उनको 1 लाख में से 60,000 रुपया हमारी सरकार देगी। इनकी जो शेष लंबित मांगे पड़ी हैं यहाँ, अगर मकानों के पैसे आज तक नहीं आ सके तो उसमें हमारे लोकसभा के चुनाव के कारण नहीं आए, वो अब हो गया है, सरकार पुनः बन गई है, तो वो भी बहुत जल्दी इनके खाते में आ जाएंगे। मैं अपने अधिकारियों का भी, अपने मत्स्य मंत्री जी श्री वीरेंद्र कंवर जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी का भी आप सबके माध्यम से दोबारा धन्यवाद।